शिरडी का नाम शिरडी है, इसमें भी बड़ी रोचक एक कहानी है, एक दास्तान है। उस जगह जिसको हम शिरडी कहते हैं, इसका नाम शिरडी नहीं था, इसका नाम था शिलधी। फिर ये धीरे धीरे अपभ्रंश हो गया और वो शिरडी बन गया। शिलधी शब्द को यदि हम दो भागों में विभक्त करें, वर्ड कंपाउंडेड है, अगर इसको हम तोड़ दें, संधि विच्छेद कर दें इसकी, तो हमको मिलता है शिला धनधी। शिला मतलब पहाड़ और धी संस्कृत में ज्ञान का पर्याय है। शिलधी याने ज्ञान का पर्वत मेरु। जो ज्ञान के पर्वत को हासिल कर लेता है, चढ़ जाता है, वो दरअसल शिरडी पहुंच जाता है। हम लोग बड़ी कठिन तीर्थ यात्राएं करते हैं, पर्वत पर्वत घूमते रहते हैं, नदी पहाड़ नाले पार करते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो अगर यहां नहीं है तो कहीं नहीं, वो है। हम उसको अनदेखा कर देते हैं, वी कन्वीनियंटली ओवरलुक हिज एग्जिस्टेंस इन अस, दैट इज इट। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यहीं पे है, जो मिलना है यहीं पे है, जिन खोजे दिन में दृष्टि सारी, एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समा
मन से लिपटा जा, हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जा, विश्वामृत कब ना बने, विश्वामृत कब ना बने, काहे जतन लगा सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी का, सुख की डफली रोए है, दुख की बंसी का, भक्ति में शक्ति इतनी है, भक्ति में शक्ति इतनी है, द्वार स्वयं खुल जा शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समान, एक शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समान, इतनी सी बात और अफसाना बना दिया, इतनी सी बात और अफसाना बना दिया, बस कहां कहां ढूंढते हैं इसको, अंदर नहीं देखते, बस सभी जगह भी